हेलो दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश में सिविल जज बनना चाहते हैं या PCSJ का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप किस तरह की इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं या आपके अंदर कुछ क्वेश्चन हैं, जो क्वायरीज़ हैं, वो आज की इस वीडियो में हम आपकी क्लियर करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आप PCSJ का एग्ज़ाम कैसे दे सकते हैं, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होगा, किस तरह का एग्ज़ाम सिलेबस होगा, क्या एज क्राइटेरिया होगा, कितनी क्वालिफ़िकेशन आपको चाहिए होगी। अगर आप जर्नल या OBC कैटेगरी के नहीं हैं तो आपको कितना एज रिलैक्सेशन मिल सकता है और किस तरह का आपकी एप्लीकेशन फ़ीस कितनी होगी। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आज की इस वीडियो में हम आपके क्लियर करेंगे। तो इससे पहले भी मैंने आपके लिए बहुत सारी PCSJ से रिलेटेड वीडियोस बनाई हैं, बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस बनाई हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिस पर मैं आपको PCSJ से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स देता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप सिविल जज की तैयारी करना चाहते हैं या PCSJ का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको LLB का थर्ड ईयर 3 साल का या 5 साल LLB का कोर्स आपको कंप्लीट करना होगा। जब आप अपना LLB का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, भले वो 3 साल का हो या 5 साल का हो, तो आप इनरोलमेंट करा लें। कहाँ पर? आपका बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में। जब आप अपने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में इनरोलमेंट करा लेते हैं या नहीं भी कराते हैं, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आपने LLB का कोर्स कंप्लीट कर लिया है, आपको डिग्री मिल गई है 3 साल या 5 साल की, किसी भी इंस्टीट्यूट से आपने किया हो जो कि BCI से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट हो, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से अगर आपने LLB किया है, तो आप उसके बाद डायरेक्टली PCSJ का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में अपना एनरोलमेंट कराना मैंडेटरी है। और साथ ही साथ बहुत से लोगों का क्वेश्चन रहता है, क्या कुछ एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है? तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। अगर आप पास ज़ीरो एक्सपीरियंस है LLB के बाद, तब भी आप डायरेक्टली अपना PCSJ का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये हो गया आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात, अगर आप PCSJ का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि PCSJ की ऑफिशियल वेबसाइट है, UPPSC.UP.NIC.IN, यहाँ पर भी आप बहुत सारे अपडेट्स आते हैं, नोटिफिकेशंस आते हैं, वहाँ पर भी आप अपडेट्स ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम एज क्राइटेरिया की, कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए। अगर आपकी एज 22 से लेके 35 ईयर्स तक है तो आप एलिजिबल हैं कि आप PCSJ का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की बात करें कि अगर आप जर्नल या OBC कैटेगरी के नहीं हैं, SC या ST कैटेगरी के हैं, तो आपको थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और यही कोई बंदा अगर फिज़िकली हैंडीकैप्ड है तो उसे 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और अगर आप PCSJ का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं या जज बन जाते हैं, तो आपकी जो मंथली सैलरी कितनी होगी, बहुत से लोगों के माइंड में रहता है कि हमारी मंथली सैलरी कितनी होगी। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी मंथली सैलरी अप्रॉक्स स्टार्टिंग में जो होगी वो 60,000 रुपीज़ पर मंथ होगी स्टार्टिंग में, जिसमें सारे जितने भी ज़्यादा रेम्यूनरेशन हो गए, आपके जितने भी ओवरऑल जो आपकी सैलरी बनेगी वो इतनी ही लमसम बनेगी स्टार्टिंग में। धीरे धीरे आपका इंक्रीमेंट होगा, प्रमोशन होगा, तो उस हिसाब से सैलरी इंक्रीज होती रहेगी। PCSJ का एग्ज़ाम देने के लिए जो एप्लीकेशन की फ़ीस बात करते हैं, तो जर्नल या OBC कैटेगरी के अगर आप हैं और प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए फ़ीस पे कर रहे हैं, तो अप्रॉक्स होगी 125 रुपीज़। यही SC और ST के लिए होगी 65 रुपीज़, और फिज़िकली हैंडीकैप पर्संस के लिए होगी 25 रुपीज़। अगर आप प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, तो आपको उसके बाद देना है मेंस का एग्ज़ाम, जिसके लिए जर्नल और OBC कैटेगरी की फ़ीस जो होगी वो होगी 225 रुपये, और अगर आप SC ST के हैं तो 105 रुपये, और अगर आप फिज़िकली हैंडीकैप हैं तो 25 रुपीज़ आपको जो फ़ीस पे करनी होगी प्री का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद मेंस का एग्ज़ाम देने के लिए। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो दो तरह पैटर्न में एग्ज़ाम होता है, पहला आपका होता है प्री एग्ज़ाम, दूसरा आपका होता है मेंस का एग्ज़ाम। अगर आप प्री का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, तभी आप एलिजिबल हैं कि आप मेंस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके लिए कितनी परसेंटेज चाहिए रहती है प्री के एग्ज़ाम में,
तो नॉर्मली 40% आपके मार्क्स होने चाहिए आपको प्री क्वालिफाई करने के लिए। ये प्री एग्जामिनेशन जो होता है ये आपका टोटली ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है। इसमें दो पेपर होते हैं, दो पार्ट्स में पेपर होते हैं और इसमें निगेटिव मार्किंग भी की जाती है। मेंस के एग्ज़ाम आपका रिटन एग्ज़ाम होता है, बट प्री का एग्ज़ाम पूरा टोटली ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है। और अगर आपने LLB अच्छे से कंप्लीट किया है, पढ़ा है, तो आप बहुत ही आसानी से प्री का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। बट एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो वहाँ पर आपको मार्क नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी होती है। अब बात करते हैं, अगर आप प्री आपने निकाल लिया है तो मेंस के लिए आपको कितने परसेंटेज चाहिए। अगर आप जर्नल या OBC कैटेगरी के हैं तो मिनिमम आपको 40% मार्क्स लाने होंगे मेंस में, तभी आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप पहले आप अपना प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम पास करेंगे, फिर आप अगर मेंस का एग्ज़ाम कितने परसेंटेज आपके होने चाहिए जर्नल और OBC कैटेगरी के हैं तो आपके 40% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप SC या ST के हैं तो आपके 30% मार्क्स अगर हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे मेंस का एग्ज़ाम। इसको क्वालिफाई करने के बाद, प्री क्वालिफाई करने के बाद, मेंस क्वालिफाई करने के बाद लास्ट स्टेप जो होता है वो होता है आपका इंटरव्यू का। उससे पहले मैं बता दूं कि आपके सिलेबस में क्या क्या होता है। एग्ज़ाम पैटर्न तो आपको पता चल गया, बट एग्ज़ाम सिलेबस में क्या क्या होता है। सबसे पहला प्री का एग्ज़ाम जो होता है उसमें तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि दो पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है जनरल नॉलेज का और दूसरा पेपर होता है लॉ। इससे रिलेटेड मैं PDF अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड कर दूंगा। हमारी वेबसाइट है www.apnalegalyar.com, वहाँ पर आप अपनी PDF, पूरा आपको PDF मिल जाएगी, उसमें सारा सिलेबस मेंशन होगा, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते। जब आप अपना प्री का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको देना है मेंस का एग्ज़ाम। मेंस के एग्ज़ाम में जनरली 6 पेपर्स होते हैं। सबसे पहला जो पेपर होता है वो होता है जनरल नॉलेज का, दूसरा जो पेपर होता है वो होता है इंग्लिश लैंग्वेज का, तीसरा पेपर होता है आपका हिंदी लैंग्वेज का, चौथा पेपर होता है सब्सटेंटिव लॉ, पांचवा होता है प्रोसीजर एंड एविडेंस, और छठा जो आपका लास्ट पेपर होता है वो होता है पेनल रेवेन्यू एंड लॉस का। जब आप अपना प्री और मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं और आप इसके बाद अपना मेंस के बाद इंटरव्यू दे देते हैं, जब आप ये सारी चीज़ें दे देते हैं तो आपका जो सिलेक्शन होता है वो मेरिट बेस पर होता है। जब आप अपना प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू निकाल लेते हैं, देन आपका सिलेक्शन हो जाता है मेरिट बेस पे। अब लास्ट जो ऑप्शन आपके पास बचता है कि अब आपको क्या करना है। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको एक कोर्ट अलॉट कर दी जाती है और एक जज के अंडर में आपको ट्रेनिंग के लिए 1 साल के लिए भेज दिया जाता है, और साथ ही साथ आपको जुडिशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी भेजा जाता है 90 डेज़ के लिए, वहाँ पर आपकी ट्रेनिंग की जाती है। जब आप ये सारा चीज़ें कंप्लीट कर लेते हैं तो आप सिविल जज बन जाते हैं। तो इसी तरह से ये सारी चीज़ें थी जो आपके डाउट था, जो आपको क्लियर करना था, अगर आप PCSJ का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या सिविल जज बनना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो जाने से पहले अगर वीडियो हमारी कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, और कोई क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।